प्यारो, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे और वह एक दिन आराधनालय में गए थे और उनके बीच एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, मतलब हाथ में जीवन ही नहीं था, जान नहीं थी, हाथ पूरा सूख गया था। और वहाँ जब प्रभु यीशु आराधनालय में गए, तब सब्त का दिन था, साबात डे था, और साबात को यहूदी लोग कुछ भी नहीं करते थे। और यीशु ने देखा लोगों की भीड़ खड़ी है और वहाँ एक व्यक्ति है जो जरूरतमंद है, जिसका हाथ सूख गया है। बेचारा पूरा जीवन परेशानी झेलता आया है, वो हाथ से वो कुछ कर नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, उठा नहीं रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा। पता नहीं वो सूखे हाथ के कारण उसकी क्या अवस्था होगी। और वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है सूखा हाथ लेकर, और लोग देख रहे हैं तमाशा कि अगर आज यीशु मसीह ये सूखे हाथ वाले को चंगा कर देता है तो हम उसके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि सब्बात के दिन कोई भी काम करना उचित नहीं है, वैसा वे लोग मानते थे। लोगों की भीड़ यीशु के विरुद्ध जाने के लिए खड़ी है, सिर्फ देर थी कि वो उस व्यक्ति को चंगा करे। लेकिन पता है प्यारो, यीशु ने क्या कहा? यीशु के लिए लिखा है वहां, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जा। हालेलुया। वो सूखे हाथ वाले मनुष्य को यीशु कहते हैं, तू बीच में खड़ा हो जा, मेरे लिए तेरी चंगाई इंपॉर्टेंट है, बाकी के लोग क्या कहते या नहीं कहते उससे भी ज्यादा। पूरे लोग मेरे विरुद्ध हो जाए कोई बात नहीं, वो मेरे ऊपर पथराव करे कोई बात नहीं, मुझे आराधनालय से निकाल दिया जाए कोई बात नहीं, मेरे विरुद्ध जिसे होना हो जाए, मेरे विरुद्ध जिसे जो करना हो कर दे, कि मेरे लिए तेरी चंगाई मायने रखती है, मेरे लिए तेरे दुख को दूर करना मायने रखता है। हालेलुया। ये यीशु क्या हृदय है प्यारो, वो कुछ नहीं देखेगा आपको अपनी परिस्थिति से बाहर लाने के लिए। आप कौन से धर्म से हो, जाति से हो, ज्ञाति से हो, धनवान हो, गरीब हो, कुछ मायने नहीं रखता। बस उसका दिल प्रेम से भरा हुआ है, उसके दिल में सिर्फ एक ही वेदना है, वो वेदना जो आप झेल रहे हो वो उसके दिल में है। वो चाहता है मैं तुझे कैसे फ्री करूं, मैं तुझे कैसे आजाद करूं, तुझे तेरी परिस्थिति से कैसे छुड़ा ले आऊं, मेरे लिए और कुछ महत्व नहीं रखता, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं चाहता हूं मैं तुझे आजाद करूं। हालेलुया। यीशु ने उल्टा बाहर ले जाने चाहिए ना, आराधनालय से छूट कर भी उसे चंगा कर सकते थे, लेकिन यीशु दिखाना चाहता था कि मेरे लिए लोगों के दुख और दर्द दूर करना महत्व रखता है, बाकी और कुछ नहीं। हालेलुया। वो बस आपसे वैसा ही प्रेम करते हैं, वो सिर्फ आपके दुख दर्द तकलीफ पापों के कारण अनंत काल की शिक्षा उससे आपको आजाद करना चाहते हैं, उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी क्या बोले क्या कहे, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। वो लोगों के दुख और दर्द को देखकर अपने आप को रोक नहीं सकता, वो लोगों के दुख और दर्द को देखकर अपने आप को रोक नहीं सकता, बीच में खड़ा कर दिया, चल बीच में खड़ा हो जा, और फिर वहाँ वो लोगों के ऊपर गुस्सा कर दे कि ये कैसी कठोरता है, वो कठोरता से उदास हुए, दुखी हुए, और क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए आपका दर्द मायने रखता है प्यारो। लोगों के लिए सिर्फ वो सूखा हाथ वाला एक तमाशा था, देखना चाहते थे, दूर रहकर बस तमाशा देखना चाहते थे। यीशु दूर रहकर सिर्फ आपके दुख और दर्द का तमाशा नहीं देखना चाहते, वो उसे दूर करना चाहते, वो उससे आपको बाहर लाना चाहते, वो उससे आपको छुड़ाना चाहते, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, कोई भी हद तक जाएंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे, वो धर्म के बाड़े तोड़ डालेंगे, वो गरीबाई अमीराई के बाड़े भी तोड़ डालेंगे, वो जाति ज्ञाति के बाड़े भी तोड़ कर आप तक पहुँचेंगे, आपको छुड़ाने के लिए, आपको फ्री करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए।
ही वो आपको प्रेम करते हैं प्यारो। हालेलुया। और उसका नाम काफी है। वो सूखा हाथ जिसमें जीवन नहीं था, जब यीशु ने कहा वो सूखे हाथ में जीवन आ गया। आपके जीवन में कोई भी सुखी परिस्थिति हो, यीशु कह रहा है मेरे लिए तेरी तकलीफ मायने रखती है बेटा, मायने रखती है बेटी, तू फिकर नहीं कर, कोई भी बाधा मुझे तुझे चंगा करने से रोक नहीं पाएगी। मैं तेरे पास आया हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा, छुड़ाऊंगा और वो मुर्दा परिस्थिति में मैं जान डाल दूंगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया।